वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं फिर से आपको ये डोर मैट का मैं डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। सिंपल सा डिज़ाइन, बिगनर्स भी इसे आराम से बना सकते हैं। तो ये मैं दो रंग लगा रही हूँ, आप चाहे तो ये मल्टी कलर से भी बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए जो सिलाइयाँ ली हैं, ये मैंने मोटी सिलाइयाँ ली हैं, क्योंकि इस ऊन को भी मैंने डबल कर लिया है, थोड़ा मोटा सा बनेगा फिर ये। अब हमने क्या करना है, एक फंदा डाल लेना है, ये ऐसे एक फंदे से हमने इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने ये फंदा इसके नीचे से हमने निडल लेके आनी है और इस फंदे को बुन देना है। तो एक फंदे से हमारे ये अब दो फंदे हो गए हैं। इस तरफ से भी हमने ऐसे बुनना है और नीचे से इस तरफ से भी एक फंदा बढ़ा लेना है, और दो फंदों एक फंदे से अब ये तीन फंदे हो गए। अब इस तरफ से देखिए, फिर से अब ये हमारे चार फंदे बन गए हैं। ऐसे ही दोनों तरफ से हमने एक एक फंदा बढ़ाते हुए इसे बुनना है। अब ये हमारे पांच फंदे बन गए। नौ फंदे करने के बाद मैं बताती हूँ आपको फिर क्या करना है, दोनों तरफ से एक एक बढ़ाते हुए। दोनों तरफ से बढ़ाते हुए ये हमारे नौ फंदे हो गए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ फंदे बढ़ाने के बाद हमने कलर चेंज करना है। अब मैं ये दूसरा रंग लगा रही हूँ। तो आपने क्या करना है, दूसरा रंग लगा के उल्टा उल्टा बुन देना है इस सिलाई को। अब ये हम ये दूसरा रंग लगा रहे हैं तो अभी नहीं बढ़ाएंगे, नेक्स्ट रो में बढ़ाएंगे। ये देखिए, उल्टी तरफ से आपने सेकंड कलर लगा लेना है। अब हम बढ़ाना शुरू करेंगे फिर से धागा, जैसे हम नीचे से लेके आते हैं, निडल के नीचे से लेके आएंगे और उल्टा बुन देंगे सारे फंदे। अब फिर से हमने दोनों तरफ से एक एक बढ़ाना शुरू करना है। ये सेकेंडरी कलर लगाने के बाद ये सेकेंड रो है, चार चार सिलाइयाँ हमने बुननी है। तो हमारी ये दो लाइनें सी बनेंगी। फिर से हमने इस तरफ बढ़ा दिया है एक फंदा, अब देखिए फिर से एक फंदा बढ़ा लिया हमने इस तरफ से भी। ये देखिए, अब ये हम ऐसे ही कलर चेंज करते जाएंगे। अब फिर से हमने इस वाले धागे से बुनना है, जैसे ये देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ से इस धागे को लगाएंगे प्राइमरी कलर को और एक फंदा बढ़ाते हुए हमने उल्टा उल्टा बुन देना है। तो इस की भी हमने सेकंड जो हमने कलर लगाया है, सॉरी प्राइमरी कलर फिर से लगाया है। अब इसकी भी चार सिलाइयाँ बुनेंगे हम। ये देखिए, इस तरफ से फिर से बढ़ाएंगे। तो जैसे ये अभी नीचे तो हमने ज़्यादा लाइनें बनाई हैं, अब हम दो दो ये धारियाँ सी बनाते हुए दोनों तरफ से फंदे बढ़ाते हुए, इसकी जितनी आपने लेंथ बनानी है, फंदे बढ़ाने हैं, जितना बड़ा आप डोरमेट बनाओगे उस हिसाब से आपने फंदे रखने हैं बढ़ाते हुए। और दो दो लाइनें, अब दो लाइनें इस कलर की, फिर से ग्रीन कलर, फिर से ये कलर, ऐसे आपने चार चार सिलाइयाँ बुननी है। चार चार सिलाइयाँ बुनने से ये दो दो लाइनें हमारी बनेंगी। तो मैं फंदे बढ़ा के फिर आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। देखिए, मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं दोनों तरफ से, इतने ही बढ़ाऊंगी मैं। और मैंने ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः ये लाइनें बनाई हैं प्राइमरी कलर वाली, एक, दो, तीन, चार, पाँच ये बनाई हैं। तो अब जो ये ग्रीन कलर हमने स्टार्ट करना है, इसके ऊपर हमने साथ साथ फंदे घटाने शुरू कर देने हैं। जैसे हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया है, वैसे ही हमने घटा देना है।
अब देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जितना भी बड़ा आपने मैट बनाना है उस हिसाब से अपने फंदे बढ़ा लेने हैं। जैसे मैंने थोड़े कम बढ़ाए हैं यहाँ पे, आप और बढ़ा सकते हो, 50 कर सकते हो, 60 कर सकते हो, 70 कर सकते हो, जितना बड़ा मैट आपने बनाना है उस हिसाब से। तो अब देखिए फिर से हमने ये ग्रीन कलर लगाना है और ये दो फंदे अब हमने इकट्ठे बुन देने हैं, ऐसे जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हम घटाते जाएंगे। एक हमने इस तरफ कम कर दिया है और एक हम जब उस तरफ पहुंचेंगे तो उस तरफ से कर देंगे। तो ऐसे ही बुनते हुए हम उस तरफ जाएंगे तो फिर एक फंदा कम कर देंगे। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस तरफ भी दो फंदों का एक कर देना है, एक हमने उस तरफ कर दिया है कम, एक हम इस तरफ कर देंगे और बाकी के सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन देंगे। और लास्ट में जब इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे फिर नेक्स्ट रो पर हम दो फंदों का एक कर देंगे। तो ऐसे ही घटाते हुए हमने एक फंदे पर पहुंचना है दोनों तरफ से एक एक फंदा कम करते हुए। तो मैं कम कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको लास्ट में। देखिए फंदे घटाते हुए हम लास्ट तक पहुंच गए हैं। अब हमारे पास ये पांच फंदे हैं, चार फंदे हैं, तो अब हमने इन्हें भी कम कर देना है। ये दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते हुए हमने सारे फंदे कम कर लेने हैं। दो का एक बना दिया, अब ये हमारे पास दो फंदे रह गए। अब ये देखिए फिर से ये दो का एक बना दिया और अब हमने एक फंदा रह गया है। अब हमने क्या करना है, धागा काट देना है। धागा काट के मैंने गांठ लगा दी है, बंद कर दिया इसे और ये हमारा डोर मैट बन के तैयार हो गया है। डोर मैट कह लीजिए, चाहे टेबल मैट कह लीजिए, पूजा का आसन कह लीजिए, आपको बड़ा साइज इससे बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हो। एक फंदे से हमने शुरू किया था, यहाँ से ये दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हुए हमने बढ़ाए थे जितने हमने बड़ा साइज रखना था। उसके बाद फिर हमने जैसे बढ़ाए थे वैसे ही घटाने शुरू किए हैं। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फैमिलीज़ में और अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।